भागलपुर का एकमात्र ऐसा सरकारी अस्पताल जहां हजारों की संख्या में रोज मरीज अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, मगर यहां अस्पताल की चरमराई स्थिति को लेकर मरीज के परिजन द्वारा प्रदर्शन करने का मामला सामने आता रहता है। वहीं कभी एक्सरे मशीन बंद तो कभी मेडिसिन विभाग बंद तो कभी अन्य विभाग बंद होने से मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज फिर ऐसा ही मामला देखने को मिला। दूर दराज से आए मरीज अपने इलाज के लिए घंटों रोते बिलखते तड़पते दर्द से कराहते दिख रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह से बंद रहा। वहीं अस्पताल के अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी लिंक फेल है, अभी कुछ नहीं हो सकता। वहीं चिकित्सक से जब मरीज मिलने जाते तो उनका कहना होता है पहले रजिस्ट्रेशन पेपर लेके आइए तभी आपका इलाज होगा। अब सवाल यह उठता है कि मरीज आखिर करे तो क्या करे, क्या इसी तरह सरकारी व्यवस्था चरमराई रहेगी, क्या इसकी सुध लेने वाला कोई होगा। सभी आए हैं सर काउंटर पर, अभी एक भी पर्ची नहीं कट रहा है। हम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और कोई यहाँ सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई ये बोला जा रहा है नेट प्रॉब्लम है और इसमें बोला जहाँ जाना है जाइए और कितना मरीज जो है सर पेट की तरफ से कोई भी पर्चा नहीं काट रहा है, किसी काउंटर से नहीं काट रहा है। बोल रहे क्या हम सिमरिया से आए हैं, हम पंचायत समिति भी हैं ग्राम पंचायत बिशनरामपुर के, और मेरा नाम राकेश परमंडल है। समस्या मेरे पेट में दर्द है और माथा में दर्द रहता है जी। समस्या गाड़ी से आ रहे थे, धक्का लगे ब्रेन में चोट है तो वहाँ हम कहल वहाँ दिखाए सरकारी में तो रेफर किए यहाँ मायागंज, तो यहाँ पर आए तो सुबह से ही आए हम लोग, 7 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं, लिंक ही काम नहीं कर रहा। अगर ऐसी समस्या रहेंगे तो हम लोग यूँ ही मर जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं होगा। यहाँ चिट्ठा कटेगा तभी तो कुछ बताएगा, बोला लिंक नहीं है, लिंक में प्रॉब्लम है, लिंक आएगा कुछ करेंगे। हाँ 8 बजे से लाइन में। मेरा नाम है नविता कुमारी और पेशेंट का नाम है सचिन कुमार, कहलगांव से आए हैं जी। और ये आप कहलगांव और ये आप से। भागलपुर के सिकंदरपुर में TMBU के रिटायर्ड प्रोफेसर अंजनी कुमार ठाकुर के यहाँ मगध यूनिवर्सिटी के स्नातक की 1.5 लाख कॉपियां मिली। इसे मूल्यांकन के लिए उनके आवास पर भेजा गया था। सभी कॉपी सत्र 2021-22 सत्र की है। इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। कॉपियां ट्रक पर लाद कर बोध गया भेजने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने संदेह होने पर मुजाहिदपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ट्रक को वहीं रोक दिया और मगध यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक से बात की। फिर अंजनी ठाकुर से आवेदन लेने के बाद ट्रक को बोध गया रवाना कर दिया गया। प्रोफेसर अंजनी ठाकुर ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय ने इस वर्ष जून में मेरे पास मूल्यांकन के लिए कॉपी भेजी थी। यहाँ अलग अलग विषयों के प्रोफेसर से कॉपी की जांच कराता हूँ, किसी ने पुलिस को गलत सूचना दे दी है, नियमानुसार ही सभी काम हुआ है। अन्य यूनिवर्सिटी की कॉपी भी मूल्यांकन के लिए यहाँ आती है, एक कॉपी की जांच पर 15-17 रुपए दिए जाते हैं। वहीं मगध यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार ने बताया कि यह सामान्य व्यवस्था है, शिक्षकों को मूल्यांकन का काम दिया जाता है। प्रोफेसर अंजनी कुमार ठाकुर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, आवास पर कॉपी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूल्यांकन सेंट्रलाइज होता है तो कॉपी यूनिवर्सिटी भेजी जाती है, लेकिन ऐसा कब आई थी कॉपी और कितनी कॉपी? जून महीना में आई थी कॉपी जी, और क्या कहते हैं लगभग 4 लाख के आसपास कॉपी। 4 लाख कॉपी थी। सारी कॉपी आपके पास आई थी? हाँ। किस माने सेशन की थी ये कॉपी? ये 21-22 उस पहले का ही था। 21-22 हाँ हाँ। और सेशन लेट होने की वजह से क्या कहते हैं थाले पहले भेज भी चुके हैं कॉपी, Part 1, Part 2, Part 3। हाँ वही समय से था। तो आपको सर भेजा गया था कॉपी, हर एक सब्जेक्ट का कॉपी चाहिए क्या? नहीं, कुछ सब्जेक्ट का था, कुछ सब्जेक्ट वहाँ भी जता गया होगा। हाँ। जो ये हमारे यहाँ आया वो हम भेज दिए। और तो किन से जाँच करवाए सर? ये डिस्क्लोज करना ठीक नहीं लगता, वैसे हम बोल देते हैं ना। जैसे फिजिक्स में अशोक प्रसाद यादव हैं, यहाँ TNB कॉलेज में उनसे जाँच करवाए हैं। रणधीर प्रसाद सिंह हैं ताड़र कॉलेज में, उनसे जांच करवाए हैं। केमिस्ट्री में डॉक्टर राजकमल साहू हैं, PG हेड जो हैं उनसे जांच करवाए हैं। सर आप कब रिटायर किए हैं सर? 21 में। उसके बाद भी आपके पास कॉपी भेजा जा रहा है वहाँ से? सर उसके बाद इसी बार भेजा है, पहले नहीं भेजता था। बीच में पहले हम जचवाए थे, बहुत पहले 13, 14, 15, 16 इस सब में हम जचवाए हैं कॉपी। 13, 14, 15, 16, 12, 11 उस समय जचवाए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी भेजा गया? रिटायरमेंट के बाद हमको हजारीबाग से भी कॉपी आई, दुमका से भी कॉपी आई, यहाँ से भी कॉपी आई। 4 लाख कॉपी थी सर। जांच हो गई है कॉपी की सर? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? AK ठाकुर। अंजनी कुमार ठाकुर, मैथमेटिक्स में। कब रिटायर किए हैं सर? 21 में। 21 में किए हैं। ये कॉपी कब आई? इस में जून में जी। प्रोफेसर साहब को ऑथराइज किया गया है ना, और तो ये जांच के पश्चात जो है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप इंचार्ज है, आपको देखना पड़ेगा हर बिंदु पर। हाँ, वो जांच के बाद जो है रिलीज कर दिया जाएगा।
जांच के बाद का विषय है, जांच कर ले। आपको कभी जानकारी इन्होंने दी कि हम कॉफी भी जांच उच कर रहे हैं, कभी बताया इस संबंध में? काफी चूंकि डिस्ट्रीब्यूट था क्षेत्र में नहीं था तो ये जानकारी हमको नहीं दिए, सारे जगह से इकट्ठा करके उसके बाद एक ट्रक पहले इन्होंने भेजा यूनिवर्सिटी को वापस, कभी आपको ने बताया? हाँ नहीं, कभी जानकारी आपको नहीं? नहीं, पहले कोई जानकारी नहीं थी, नहीं थी। जानकारी मिली तो अभी कैसे जानकारी मिली? अभी स्थानीय लोग वहाँ से फोन किए थे। क्या सीनियर पदाधिकारी से भी बात हुई है इस संबंध में? हाँ हमारी बात हो रही है। वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर श्री राम मंदिर के अक्षत को लोगों के घरों तक पहुंचाकर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। भागलपुर में ट्रेन के माध्यम से अक्षत कलश पहुंचा, वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। फिर रथ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता व उनके साथ बजरंगबली सवार हुए। रथ पर कलश को लेकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसके माध्यम से घर घर पहुंचकर लोगों को 22 जनवरी को होने वाली श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया। शोभा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग हाथ में अक्षत व सुपारी लेकर राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण देते निराए। खुशियों में नाचते गाते श्री राम के भक्त इस खुशियों के क्षण में भावुक हो गए। वर्षों के इंतजार को खत्म होता देख श्री राम के भक्तों की आंखों में आंसू छलक गए। लोगों ने अक्षत कलश की आरती भी उतारी। मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है, मेरे राम के मंदिर का अक्षत हम सबों का आमंत्रण के रूप में आया है। उस आमंत्रण कलश के स्वागत के लिए पूरा भागलपुर सनातन लंबी सबके राम, सबरी के राम, सबके राम, सबने इनका स्वागत किया है और भाव विभोर हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस राम मंदिर के आस में 592 वर्ष तक का एक सबरी का जो सब्र है उसका इंतजार किया, वो समाप्त होने जा रहा है और हम राम लला का मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोगों को प्रसन्नता है और पूरा भागलपुर ने पूरा भारत प्रसन्नता का यह क्षण है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? मेरे लिए ये सौभाग्य का क्षण है। मैं दूसरी पीढ़ी का लोग हूँ जिसके पिता बाबरी विध्वंस में गए हो, जिसके मेरे पिता ने अग्रिणी भूमिका निभाते हुए उस बाबरी मस्जिद की जो विवादित ढांचा कहे जाने वाला था, जिसे राम मंदिर को तोड़ कर बनाया गया था, उसे तोड़ने में कोई भूमिका निभा मेरे पिताजी ने भी, इसीलिए मेरी वहां से जुड़ी हुई आस्था है। आज मेरे लिए ये भावुक क्षण है कि आज ये राम जन्मभूमि बनने का सौभाग्य हो रहा है। पिताजी कभी कहा करते थे जिस बाबरी विध्वंस में मैं गया था, पता नहीं इस राम जन्मभूमि को मैं देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आज राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है और 22 जनवरी को जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए बहुत ही भावुक पल है। सदियों से हमारी कई पीढ़ियां राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत अपेक्षाओं और बड़े ही माने भारी मन से 4 दशकों से मंदिर के बारे में कई निर्णय आ रहे थे। जब 2020 के अंदर मंदिर का भूमि पूजन हुआ तब सनातनियों को लगा कि जो सनातन में आस्था रखने वाले प्रभु श्री राम हमारे अनुकरणीय हैं, वंदनीय हैं, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिन्हों पे हम सभी चलते हैं, हमारे पिताजी शिला पूजन के साक्षी थे, यहाँ श्री श्री गौशाला के प्रांगण से शिला पूजन की तैयारियाँ हुई थी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
पॉलिटेक्निक विभाग के द्वारा आज भागलपुर पॉलिटेक्निक मैदान में 6 दिवसीय प्रमंडलीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन आनंद उत्सव के नाम पर आयोजित किया गया है, जिसमें भागलपुर और मुंगेर की पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह खेल 6 दिनों तक चलेगा, जिसका विधिवत उद्घाटन आज प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने किया। वहीं इस 6 दिवसीय आनंद उत्सव में पॉलिटेक्निक के छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन किया। वहीं पॉलिटेक्निक भागलपुर के प्राचार्य ने बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में सफल हुए छात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। ये प्रमंडलीय स्तर पर ये खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है हमारे पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए, और ये 6 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें भागलपुर प्रमंडल के 3 संस्थान और मुंगेर प्रमंडल के 6 संस्थान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने प्रकार के खेल हो रहे हैं? ये करीब 17 प्रकार के खेल हो रहे हैं, जिसमें कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स में आए तो लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट थ्रो और टग ऑफ वार, और क्रिकेट जो फेमस है हमारे इंडिया का, क्रिकेट भी हो रहा है साथ में, और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का हो रहा है, दोनों की टीम आई हुई है। और इसका उद्घाटन आज अच्छी बात रही कि हमारे दोनों प्रमंडल के जो आयुक्त हैं कमिश्नर साहब श्री संजय कुमार सिंह जी, उनके द्वारा किया गया है। बच्चों में काफ़ी हर्षोल्लास है और सभी अच्छे तरह से इंजॉय कर रहे हैं। 6 दिन तक सभी प्रिंसिपल और जितने टीचर्स हैं सभी का सपोर्ट करने के लिए यहाँ हाजिर हैं, और इसके बाद 15 जनवरी तक यह राज्य स्तर पे खेल होगा। यहाँ से जो विजेता छात्र होंगे फिर राज्य में जाएंगे खेलने के लिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 21 दिसंबर की शाम भागलपुर आएंगे। वहीं 22 दिसंबर को 9:30 बजे सुबह भागलपुर की महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचेंगे। वहां महर्षि मेही आश्रम में रह रहे आचार्य साधु संन्यासियों से मिलकर कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। साथ ही महर्षि मेही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि मेही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट भी जारी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है। साथ ही भागलपुर जिला पुलिस विभाग की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बहाल करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब हो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 9:30 बजे कुप्पा घाट परिसर में पहुंचकर महर्षि मेही ब्रह्मंस जी महाराज और संत सेवी महाराज की समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद संतमंत प्रवचन के प्रसार में पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। फिर महर्षि मेही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि मेही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट जारी करेंगे। इसके बाद कुप्पा घाट के आचार्यों व साधु संतों से कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। जानकारी अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने दी। अभी तो 20 दिसंबर को हमारे जो पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हुए, उनका जो जयंती समारोह है, और उसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत जी का आगमन है, और वो यहाँ मुख्य रूप से अपने जो पूज्य आचार्य श्री हैं उनके उनसे मिलने के लिए, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए, और यहाँ जो संत मत के जो वरिष्ठ साधु संन्यासी संत महात्मा हैं उनके साथ एक भेंट वार्ता के लिए वो आ रहे हैं। क्या तैयारी क्या है? नहीं, पूरी तैयारी है उनके आने की, और यहाँ वो 9:30 बजे आएंगे और 3 बजे उनका प्रस्थान है, तो उनके ठहरने की, उनके भोजन की सारी व्यवस्था है। और इस क्रम में जो है हम लोगों का छोटा छोटा जो है कई उनसे बैठक है, और उसके बाद जो है प्रशासनिक रूप से, वही कह रहा हूँ, प्रशासनिक रूप से जो है पुलिस पदाधिकारियों का जो है आना जाना हम लोगों के साथ जो है कोऑर्डिनेट समन्वय बना करके जो है वो लोग लगे हुए हैं। सुरक्षा की पूरी तैयारी हो रही है और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी संपर्क में हैं। कितने देर के लिए वो आ रहे हैं? 6 घंटे यहाँ रुकेंगे। इस दौरान कोई कार्यक्रम में भी वो भाग रहे हैं? कोई पुस्तक का विमोचन? कई तरह का कार्यक्रम होगा। हमारे जो पूज्य साधु संन्यासी हैं उनके साथ लंबी भेंट वार्ता है, वैचारिक आदान प्रदान होगा, और उनके बाद जो है वो फिर समाधि मंदिर पर जाएंगे, हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के समाधि मंदिर पर, और पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के समाधि मंदिर पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। फिर वहाँ से जो है हॉल में आएंगे सत्संग प्रसाल में जाने के क्रम में, और वहाँ पर जो है एक हमारा जो निर्माणाधीन फिल्म है उनका जो है एक
भागलपुर के एक स्थानीय होटल में रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस भागलपुर शाखा के द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था मंजू रानी जो MDRT बन गई है, साथ ही साथ बिहार झारखंड की पहली COT भी अचीव करने वाली है, इसको लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें MDRT पीयूष आनंद, MDRT मैटर विनय कुमार, MDRT मंजू रानी के अलावा रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस भागलपुर शाखा के कई पदाधिकारी व कई कर्मी भी मौजूद थे। सबों ने मंजू रानी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया और आगे भविष्य में और अच्छा करें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते दिखे। ये मीटिंग रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 17 तारीख को हो रही है गैलेक्सी होटल में। ये सम्मान समारोह है श्रीमती मंजू रानी जी का, जो ऑलरेडी MDRT है रिलायंस की तरफ से। सारे अतिथिगण लोग को बुलाया गया, उनके बीच उनको सम्मानित किया जा रहा है और बहुत ही जल्द हम लोग प्रयासरत हैं कि बिहार झारखंड के प्रथम COT BMR में COT सबसे अव्वल माना जाता है रिकग्निशन, उसको वो अचीव करने जा रहे हैं, इसके लिए भी ये प्रोग्राम किया गया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के द्वारा भागलपुर की एक स्थानीय होटल में संकल्प 2.0 में सफल क्षेत्र दिन शाखों की संकल्प 3.0 में लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेदीकरण को लेकर बैठक किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुंगेर, बांका और भागलपुर के बैंक प्रबंधक सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बाहर से आए सभी अधिकारियों को कार्यक्रम से पहले बुके देकर सम्मानित किया गया। फिर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से भी सहायक महाप्रबंधक विकास कुमार भगत, मुख्य प्रबंधक रवि भूषण वर्मा, वरीय प्रबंधक प्रकाश कुमार गुप्ता, वरीय प्रबंधक अभिषेक कुमार के अलावे दर्जनों दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान संकल्प 2.0 में सफल क्षेत्र अधिनियम शाखों के संकल्प 3.0 में लक्ष्य प्राप्त हेतु संवेदीकरण के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के 25वें वर्षगांठ पर 2 दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 और 25 दिसंबर का समय निर्धारित है, जिसके लिए तैयारी जोरों पर है। भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन इकाई के अध्यक्ष जेड हसन एवं उपाध्यक्ष सुपाल भारती ने कहा कि 25वां वर्ष खेल का आयोजन सिल्वर जुबली है। एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित खेल में जो जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें सीधे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। वहीं एथलेटिक्स एसोसिएशन इकाई का उद्देश्य है कि इस खेल में खिलाड़ियों की पहचान बने, इसके साथ ही भागलपुर का नाम रोशन हो। वहीं सुपाल भारती ने कहा कि पंचायती राज के सभापति एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव द्वारा खेल का उद्घाटन होगा, जबकि खेल का समापन पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव द्वारा किया जाएगा। अभी तक हमारे 110 बच्चे का एंट्री अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि अभी 3 लोग बाकी है। कई जगह से बच्चे लोग भी आने की उसकी सूचना मिली है, खबर कर रहे हैं, तो एंट्री अभी शुरू हुआ है। 25-20 तक है, तो काफी बच्चे आने की संभावना है। इसमें क्या अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? बोला था 600-700 कम बच्चे नहीं आएंगे। पूरी टीम जो है एज ग्रुप है 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम और 16 वर्ष से युवा, 3 ग्रुप बॉयज का, 3 ग्रुप गर्ल्स का, मतलब 6 ग्रुप की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें आपको लगता है 600-700 पार्टिसिपेंट लेंगे। उसमें ये जो है एथलेटिक्स में अभी 14 और 16 का जो है उसमें हम लोग कुछ सिलेक्शन करना है ऐसे बच्चों को जो निटजम गेम होता है, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, जिसमें डायरेक्ट बच्चे यहाँ से भागलपुर से डायरेक्ट नेशनल खेलने जाएंगे। 25वां वर्ष है और तैयारी जोरों पे है। आगामी जो 24 और 25 दिसंबर को सैंडिस कंपाउंड में ये मीट होना है, इसकी लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। एसोसिएशन की तरफ से आपको देखने को मिलेगा पूरे जिला में, होर्डिंग के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम, इस आयोजन को लेकर जो उद्घाटन करता हमारे हैं बिहार सरकार के वर्तमान सभापति पंचायती राज और पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक नरेंद्र नारायण यादव जी, और कार्यक्रम के समापन के दिन हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव जी। भागलपुर में जाम से निजात पाने को लेकर नगर निगम के द्वारा बड़ी पहल की गई है, जहां निविदा के माध्यम से बीते दिनों टेम्पो स्टैंड का टेंडर फाइनल कर दिया जा चुका है। 8 चरणों में 64 बार बोल लगाने के बाद निविदा के अंतिम राशि 5,62,000 में नीरज यादव उर्फ पलटू यादव के नाम सुनिश्चित की गई। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से कई निविदाता ने अलग अलग बोलियां लगाई, लेकिन नीरज यादव द्वारा लगाई गई बोली की रकम का जवाब नहीं दे सके। वही निविदाता को टेम्पो स्टैंड अलॉटमेंट लेटर चीफ जनरल मैनेजर संदीप कुमार की अध्यक्षता में सौंपा गया। CGM ने बताया कि शहरी क्षेत्र में अमूमन जाम की स्थिति बनी रहती है और अवैध पार्किंग कारण मुख्य सड़क मार्ग पर लोगों को जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निविदा के माध्यम से टेम्पो स्टैंड के संचालक को लेकर स्वीकृति मिली से निविदाता नीरज कुमार उर्फ पलटू यादव को जल्द टेम्पो स्टैंड सपुर्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर उन्हें अलॉटमेंट की रकम भरनी होगी, इसके बाद उसे विस्तृत ढंग से संचालन करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबौर से होकर तिलका मांझी की ओर जाने वाली चार पहिया वाहन आसानी से अब टेम्पो स्टैंड में वाहन पार्किंग करेंगे, जबकि घंटाघर से होकर तिलका मांझी आने वाली वाहनों को
सभी टेम्पो स्टैंड में पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। वहीं संचालक पलटू यादव ने कहा कि निगम की इस पहल से शहर में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी, जबकि पार्किंग में लगभग 200 टोटो और चारपहिया वाहन पार्क करने की क्षमता है, जिससे दूर दराज से आने वाले वाहन चालकों को भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान चंदन कुमार उर्फ चंदू, मिंकू उपाध्याय, अभिलाष यादव और आशीष लाल मौजूद रहे। अभी हम लोग निविदा के माध्यम से जो है नीरज कुमार को उच्चतम बोली के माध्यम से जो है निविदा दिए हैं, उनको LOA निर्गत किया गया है। 15 दिनों के अंदर उनके द्वारा जमा राशि जब जमा की जाएगी तब उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा और उसके बाद जो है पार्किंग का संचालन जो है सुनिश्चित रूप से किया जाएगा। कितने का सर ये राशि जो किया गया इसमें? 5,62,000 में जो है उनको जो है अवार्ड किया गया है। सर इससे जाम की कैसे सुविधा मिलेगी और क्या कुछ रहेगा उसके? जैसे सबौर के तरफ से जो ऑटो आती है वो सीधे तिलका मांझी को रीच कर जाती है, तो हम लोगों जो है ट्रैफिक SP और सिटी के जो SSP हैं उनसे बात करके उसको महिंद्रा के शोरूम से डाइवर्ट कर देंगे और वो ऑटो स्टैंड होते हुए वहाँ से उसका सुगम संचालन किया जाएगा। जो भी ऑटो अदर जगह लगता है उसको भी हम लोग ऑटो स्टैंड के माध्यम से ही चलाना सुनिश्चित कर। पार्किंग स्टैंड में सबसे पहले जितना भी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ रहता था बस स्टैंड से लेकर भर वहाँ तक, तो स्मार्ट सिटी द्वारा ये टेंडर किया गया तो विधि व्यवस्था जितना जल्दी हो सकेगा इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जितना पार्किंग एरिया का है सब बस स्टैंड के अंदर पूरा पार्किंग टोटो हो ऑटो हो सारा सुविधा उसके अंदर चला जाएगा, तो कल के डेट में वो जाम का प्रभाव बहुत कम ही पड़ेगा। क्योंकि रोड्स के साइड में जितना भी स्कूल के बच्चे हैं माउंट कार्मल के हैं DM साहब के हैं वहाँ पर ज़्यादा जाम रहने के बाद ज़्यादा क्राउड हो जाने के बाद वहाँ पे ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता था। अब स्मार्ट सिटी द्वारा ये चीज़ करके बहुत आम पब्लिक के लिए सादा जितना भी ज़्यादा सुविधा मिला गया है और इस स्मार्ट सिटी को हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं और जितने हम ये चालू जितना कन्फर्मेशन बोले 5-7 दिन में लगेगा इस मंथ तक में ये स्मार्ट सिटी वाले बोले साहब की सर की CGM साहब की स्टार्ट कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार यादव, वो पलटू यादव। कोई चार्ज रखा गया है? क्या चीज़ का चार्जेस अभी तो पता नहीं है, जिसमें लिस्ट आ जाएगा तो सब उसके द्वारा चार्ज करके भाया मीडिया को जितना भी प्रभारी बंधु हैं सबको ला करके सामने सामने फेस टू फेस कर दिया जाएगा। जो पार्किंग का व्यवस्था किया गया है जी, बड़ी कितनी गाड़ियाँ आ सकती है, छोटी कितनी गाड़ियाँ? बड़ी 100 आ सकती है और 50 मतलब छोटी भी आ सकती है, उसमें जितना जगह है मतलब ये शहर के जाम को हटाने के लिए बहुत अच्छा मतलब स्पेस भी है जिसमें कि कमी मतलब सारा। मानदी संस्थान की ओर से वार्षिक बैठक रखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी एवं सदस्यों द्वारा गणेश वंदना से की गई। तत्पश्चात संस्था द्वारा विगत वर्ष में हुए कार्यों की समीक्षा, आगामी वर्षों में कार्यों की रूपरेखा और संस्था के नए सदस्यों का आगमन एवं सदस्यों को इनका पदभार सौंपा गया। वहीं संस्था की तरफ से विगत वर्ष में 200 से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाया गया है। अब 2024 में 500 से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाने का संस्था का लक्ष्य है। साथ ही संस्था के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्था के परिसर में प्रत्येक दिन निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी। वहीं सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद के लिए सुनीता शाह, सहायक अध्यक्ष रेणु राय, उपाध्यक्ष अलका कुमारी, सहायक उपाध्यक्ष नीतू वर्मा, बबीता पांडे, कोषाध्यक्ष शोभा सिंह, अलका कुमारी, कार्यक्रम प्रभारी रेखा कुमारी, सोनिया, ब्यूटी सिंह, पुष्पा, प्रियंका शाह, छोटी कुमारी, चंदन, राहुल कुमार, सलाहकार के रूप में राजेश भगत, नीली वर्मा, मृदुल घोष, गुड़िया दुबे, सीमा जायसवाल, माधुरी झा, परमिला देवी, सुनीता देवी, श्रीता सिंह, शीला कुमारी, साथ ही पुरुष प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार साय, उपाध्यक्ष शंकर चौधरी को मनोनीत किया गया। बैठक के मौके पर संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी के साथ साथ संस्था के सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। क्या कार्यक्रम रखा गया है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज माँ आनंदी संस्था की ओर से वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत विगत वर्ष में हुए कार्यक्रम के जितने भी कार्य हुए हैं उसके समीक्षा की गई और आगामी वर्ष में होने वाले कार्यों की जो परिचर्चा की गई उस पर। और हमारी संस्था जो है बहुत सारे ऐसे 5 साल पहले से ही कार्य कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो इन्हें प्रमाण मिला है वो 1.5 से 2 साल पहले मिला है, लेकिन हमारी संस्था के सदस्यों के सहयोग से
आज हम लोग दो साल में ही 200 से अधिक महिलाओं को हम लोग रोजगार दिए हैं और साथ ही साथ हम लोग जो है कई क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य किया, सिलाई मशीन, फिर लड़कियों की शादी हो या महिलाओं को उद्यमी बनाना हो, जैसे कई कार्यक्रम किए गए यहाँ पर। और उसके बाद अभी जो है हम लोगों का यह लक्ष्य है जो अगले साल आगामी वर्ष जो है हम लोग 500 से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाएं। और एक अभी जो हम लोग सभी संस्था के सभी सदस्यों के सहमति से अभी एक निर्णय लिया गया है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हमारी संस्था के द्वारा हमारी संस्था के परिसर में एक स्वास्थ्य केंद्र का स्थापित किया जाएगा जहां पर जो जितने भी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर विशेषज्ञ आएंगे और निःशुल्क कोई भी परामर्श, चिकित्सीय परामर्श उनसे।